हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A32 के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर के बारे में जानेंगे हम इसी वीडियो में, जिन्हें आप डेली चेकआउट करते हैं उन्हें आप किस प्रकार से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक की। सबसे पहले जो इसकी फीचर होती है उसे जान लेते हैं। तो आपकी जो होम स्क्रीन होती है उस पर आपको इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर थीम विजेट। यहाँ से अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना हो या थीम चेंज करना हो अपनी, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं होम स्क्रीन सेटिंग में। चलते हैं हम सबसे पहले तो यहाँ से आप आ जाते हैं होम स्क्रीन सेटिंग में। तो जैसे आप होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट आपको देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो रखा है होम एंड एप्स स्क्रीन जो की हो रखी है। इसे आप केवल होम स्क्रीन भी ओनली कर सकते हैं। जब आप होम स्क्रीन करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। और होम वाला आप ये देख सकते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। जो भी आपको पसंद हो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है होम स्क्रीन ग्रिड जो कि 4:5 हो रखा है। यहाँ से आप इसको ग्रिड चेंज कर सकते हैं, 4:6 कर सकते हैं तब आपको ऐसा होता है, 5:5 कर सकते हैं, 6:6 और 4:5 कर सकते हैं तो आपको इस प्रकार का देखने मिल जाता है। जो भी आपको पसंद हो आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। नीचे आपको और ऑप्शन मिल जाता है एप्स ग्रिड हो गया। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्स बटन, सिंपली आप इसे ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होता है सो ए बटन ऑफ द होम स्प्लिट स्क्रीन से आपके बटन शो हो जाते हैं। नीचे आपको मिल जाता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट को आप लॉक कर सकते हैं, इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहीं से। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड ऐप्स टू होम स्क्रीन पर, अगर आपको ऐड ऐप करनी है ऐप अपने कोई ऐड करनी है तो आप इसे ऑन करते हैं और अपने ऐड ऐड कर सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसे इनेबल करने से क्या है आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन पैनल है वो आपके नीचे भी स्वाइप डाउन हो जाता है। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आपको शो नहीं होता, केवल इतना ही शो होता है, इससे ज़्यादा आप नीचे शो नहीं कर सकते इसे, इसमें आपकी नोटिफिकेशन शो नहीं होती है। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करा सकते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है रोटेट टू लैंडस्केप मोड, यहाँ से आपको रोटेट का ऑप्शन देखने मिल जाता है। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाता है हाइड ऐप, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन हाइड करनी है तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी लिस्ट मिल जाती है, आपको जो एप्लीकेशन आपको हाइड करने जाती है उन्हें हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक फेसबुक हमने सेलेक्ट कर दिया और हमारा फेसबुक हो चुका है हाइड। और भी एक ले सकते हैं कोई अपने एप्लीकेशन, एक हम अपनी नेटफ्लिक्स को ले लेते हैं और ये दो एप्लीकेशन हमने हाइड किए, इन्हें यहाँ से हम कर देंगे डन। तो जैसे आप इसे डन कर देंगे हमारे एप्लीकेशन हो चुके हैं हाइड। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी होम स्क्रीन पर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ये वाले एप्लीकेशन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात आती है अपने यूज कैसे करें, एक्सेस कैसे करें। तो उसके लिए आपको अपनी होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है, होम सेटिंग में चले जाना है, डायरेक्ट ऐप साइड पर आ जाएंगे। ऐप साइड के बाद आप इन्हें यहाँ से यूज कर सकती हैं, यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं और यहीं से आप इन्हें अनहाइड कर सकते हैं। ऊपर जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पर आप क्लिक करके इन्हें अनहाइड कर सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर तो इस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में। वो जो भी कुछ आपको देखने को मिल जाता है सारा कुछ मिलता है आपको सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाते हैं सेटिंग में। तो जैसे ही आप सेटिंग में आ जाएंगे, सेटिंग आने के बाद यहाँ आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने मिल जाता है कनेक्शन, जो भी आपको वाईफाई है, ब्लूटूथ है, फ्लाइट मोड, डाटा यूज, जो भी आपको देखना है सारा इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है आपको। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने मिल जाता है साउंड वाइब्रेशन, यहाँ से आप अपने साउंड को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है नोटिफिकेशन, सिंपली आप इसे ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है स्टेटस बार, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस बार में आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है नोटिफिकेशन, 3 नोटिफिकेशन पे भी शो करा सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशन पे कर देंगे तो यहाँ से आपकी ऑल नोटिफिकेशन शो हो जाती हैं, मोस्ट की 3, मोस्ट रिसेंट जो आपकी अभी आई हुई है, 3 जल्दी आई हुई है, वो वाली नोटिफिकेशन आपको शो करा सकते हैं। अगर आप नंबर में शो कराना चाहें तो इस पर क्लिक कर दें और आप यहाँ से ऊपर देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर 1 नोटिफिकेशन है, जैसा आपको पसंद हो यहाँ से आप कर सकते हैं। वहीं आपको अगर बैटरी परसेंटेज शो करानी तो आपको ऑप्शन मिल जाता है शो बैटरी परसेंटेज, इसे इनेबल करने से आपकी बैटरी परसेंटेज शो होना शुरू हो जाती है। यहाँ से हम बैक चलते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है रिंगटोन, नोटिफिकेशन रिमाइंडर मिल जाता है, स्मार्ट पॉपअप भी मिल जाता है, जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है डिस्प्ले पर आ जाएंगे। डिस्प्ले पर आने के बाद यहाँ से अगर आपको अपना फ़ोन करना है डार्क मोड, तो आप वन टच में अपना फ़ोन डार्क मोड में कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन हो चुका है डार्क मोड में।
वहीं से अगर आपको अपना फोन लाइट मोड पे करना हो तो आप वन क्लिक में आपका फोन आ जाता है लाइट मोड पे। यहाँ से आप अपने फोन को डार्क मोड और लाइट मोड में कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडेप्टिव ब्राइटनेस, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, इसे ऑन कर लेंगे तो आपकी जितनी जरूरत होगी आपकी लाइट उतनी ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहेगी। आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लू लाइट फिल्टर, इसे इनेबल करने से क्या, जब आप रात में अपना फोन यूज करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी आइज के लिए, जिसे आप जरूर से यूज करें। अगर रात में आप फोन यूज करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ भी करा सकते हैं, ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज आपको चेंज करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा हो जाता है, इस प्रकार से जो भी आपको पसंद हो उसे आप कस्टमाइज करके यूज कर सकती है। नीचे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन जूम या फुल स्क्रीन, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन देखने मिल जाता है आपको, जो कि हमारा आफ्टर 30 सेकंड हो रखा है। यहाँ से आप उसे 15 सेकंड और 1 मिनट भी कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है होम स्क्रीन, जो कि हमने आपको पहले बताई दिया। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन बार, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको और नेविगेशन बटन पर क्लिक है। अगर आपको ये वाले बटन अपने हाइड करने हो, नेविगेशन बटन हाइड करने हो, कैसे करना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप का, इस पर स्वाइप पर क्लिक करेंगे और आपके ये वाले बटन हो जाते हैं हाइड। अब अगर आपको अपना फ़ोन बैक करना हो तो कैसे करेंगे, तो आप इस साइड से ही बैक जा सकते हैं और इस साइड से भी बैक जा सकती हैं। यहाँ से आप बैक सकते हैं और इस साइड से स्वाइप करेंगे तब आप आ जाएंगे रीसेंट टास्क में। इसे स्वाइप करके होल्ड कर देंगे आप इस प्रकार से, रीसेंट टास्क में आ जाएंगे। यहाँ से आप रीसेंट टास्क में आ जाते हैं और एक बार स्वाइप कर छोड़ देंगे तब आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगर रीसेंट टास्क में जाना तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर हम वहीं आ जाएंगे, इसे ओपन कर लेते हैं, डिस्प्ले पर चले जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेविगेशन बार में, नेविगेशन बार। अगर आपको ये बटन वापस से चाहिए अपने बटन, तो सिंपली हम बटन पर क्लिक करेंगे और आपके बटन वापस आ जाते हैं ये वाले, यहाँ देख सकते हैं। अगर ये बटन आपको लेफ्ट राइट कराना है तो यहाँ से आप इन्हें लेफ्ट राइट करा सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं ये वाला बैक का बटन आपका इधर आ जाता है। यहाँ से देख सकते हैं हमारे बटन लेफ्ट राइट करा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं, नीचे बैक आ जाएंगे, यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन सेवर। अगर आपको यूज करने हो अपने फ़ोन में तो आप यहाँ से स्क्रीन सेवर यूज कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, नैन कलर, फोटो फ्रेम, फोटो टैब, जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर, अगर आपको वॉलपेपर चेंज करने हो तो यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। थीम और लॉक स्क्रीन को करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक, फेस लॉक, जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, जिस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, इस पर जाकर आप अपने फ़ोन के अंदर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, जिसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ एक आपको फ्यूचर देखने मिल जाता है फाइंड माई डिवाइस, इसे आप जरूर से इनेबल करें। इसे आपसे जरूर इनेबल करने से क्या होता है, जैसे आपको फ़ोन बाई चांस कहीं गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो आपके फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है, लेकिन ये जब भी ऑन होगा जब आपके फ़ोन के अंदर आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए और आपकी एक मेल आईडी पड़ी हुई होनी चाहिए, अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन होनी चाहिए, तब आपको ये ओपन होता है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी, लोकेशन, अकाउंट एंड बैकअप देखने मिल जाता है, गूगल का सेटिंग मिल जाती है आपको। वहीं आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है एडवांस सेटिंग, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है स्मार्ट पॉपअप व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी जो नोटिफिकेशन है इनका आपको पॉपअप व्यू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से हम बैक चलते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में आपको ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट, हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार, आपको हाइड करनी है तो यहाँ से आप इसे हाइड करा सकती हैं। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट शेयर स्क्रीनशॉट, इससे क्या होता है जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं किसी के लिए तो आपको जो स्क्रीनशॉट होता है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। यहाँ से आप चाहे तो ऑन या ऑफ करा सकते हैं इनके लिए, आप यहाँ से जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद बैक आ जाएंगे, वहीं आपको ऑप्शन देने मिल जाता है मोशन एंड जेस्चर, सिंपली हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है लिफ्ट टू वेक, इसे इनेबल करने से क्या होता है जैसे आपका फ़ोन कहीं टेबल पर रखा हो या ऐसा कहीं रखा होता है हमारा फ़ोन टेबल पे, तो जब आप इस प्रकार को अपने फ़ोन को उठाते हैं तब आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू वेक, इससे क्या होता है जब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, फिर से डबल टैप करेंगे ऑन हो जाएगी। वहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट से, स्मार्ट अलर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इजी मोड, जो कि होता है म्यूट इनकमिंग कॉल एंड अलार्म टर्निंग, जो आपकी इनकमिंग कॉल होती है अलार्म होती है तो आपको यह देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है जैसे ही आपकी फ़ोन में जैसे कोई कॉल आ रही है या अलार्म बज रहा है तो आप स्वाइप कर देंगे आपको साइलेंट हो जाएगा।
वहीं आपको ऑप्शन मिलता है फिंगर सेंसर जेस्चर। इससे क्या होता है, ओपन एंड क्लोज एंड नोटिफिकेशन पैनल यूज द फिंगर सेंसर। इससे आपकी जो नोटिफिकेशन पैनल है अपनी फिंगर के सेंसर से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप टू कॉलर कॉल और सेंड मैसेज। इसे स्वाइप करते हैं इस साइड टू स्वाइप करते हैं तो वहाँ से आपकी कॉल और मैसेज आई। इस साइड टू स्वाइप करेंगे कॉल चली जाएगी आपको, इस साइड के लिए स्वाइप करते हैं आपको मैसेज चला जाता है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से हम बैक चलते हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे आप डबल टैप करते हैं, जैसे हमारी ये होम स्क्रीन है, इस पर आप डबल टैप करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपको फ़ोन ये टेबल पर रखा गई ऐसी, अब आप इसको उठाती हैं तो आपके फ़ोन के अंदर लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। फिर से हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम बात कर रहे थे एडवांस फीचर में, यहाँ से हम एडवांस फीचर में आ जाते हैं। वहीं आपको ऑप्शन देने में मिल जाता है वन हैंड मोड। सिंपली अब अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड करना है तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन वन हैंड मोड के लिए आपको ये वाला इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने से क्या है, यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं वन हैंड मोड, जेस्चर एंड बटन। जैसे भी आपको करना तो हम जेस्चर से ही कर लेते हैं। यहाँ से अगर आपको वन हैंड मोड करना है तो सिंपली आपको जो होम बटन होता है बैक वाला, इस पर आप नीचे के लिए स्वाइप कर देंगे, इस पर प्रेस करेंगे और नीचे स्वाइप करेंगे इस प्रकार से, तब आपका फ़ोन आ जाता है वन हैंड मोड पे। देख सकते हैं यहाँ से हमारा फ़ोन आ चुका है वन हैंड मोड। जो भी आपको करना हो अब आपका सारा वन हैंड मोड से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं अगर आपको अपने लाइट हैंड लेफ्ट राइट कराना हो तो इसे लेफ्ट राइट करा सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपको वन हैंड मोड ऑफ करना हो तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आप अपने वन हैंड मोड को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपको फुल फोन आ जाता है फुल हैंड मोड पे। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड यूज कर सकते हैं। उससे यहाँ से हम बैक चलते हैं, फिर से हम आ जाते हैं अपनी सेटिंग में। और जो बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे एडवांस फीचर की। एडवांस फीचर में आने के बाद यहाँ आपको और ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, गेम लॉन्चर डोल मैसेजर में देखने मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें से आप एक मैसेज के एक एप्लीकेशन के दो एप्लीकेशन बना के यूज कर सकते हैं। इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे, आप इंस्टॉल कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। इसे कंफर्म करने के बाद इसे ऑन कर देंगे, नेक्स्ट। यहाँ से टर्निंग ऑन हो रही डोल मैसेंजर। जैसे आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर डोल ऐप बनकर तैयार हो जाता है फेसबुक का। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के अंदर बनकर तैयार हो चुका है डोल ऐप फेसबुक का, हम आपको चेक करा देंगे। यहाँ से हम बैक चला जाते हैं, उसके बाद यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, पैनिक मोड मिल जाता है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, नीचे आपको और ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जनरल में मिल जाती है, एसेबिलिटीज आपको देखने मिल जाती है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है विजिबल, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है हाई कॉन्टेक्ट एंड फॉन्ट, जो आपके फॉन्ट होते हैं वो आपको हाईलाइट हो जाते हैं। हाई कॉन्टेक्ट जो आपके कीबोर्ड होते हैं वो आपको कीबोर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है शो बटन सेप, आपके बटन जो होते हैं उनकी सेप आपको शो हो जाती है। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं मैग्नीफाइज विंडोज मैग्नीफिकेशन लार्ज माउस काउंटर, जो आपको माउस यूज करते हैं अपने फ़ोन में जो उसका कर्सर होता है वो आपको बड़ा हो जाता है। वहीं आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट रिमूवर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको और ऑप्शन देखने मिल जाते हैं रिमूव एनिमेशन, अगर आपको एनिमेशन रिमूव करनी है तो आप इसे ऑन ऑफ करा सकती हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं एडवांस सेटिंग, सिंपली उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन रिमाइंडर, इससे इनेबल करने से क्या होता है, रिमाइंडर एवरी 3 मिनट बाद अवॉइड आपकी नोटिफिकेशन प्लेट। जिससे क्या होता है, जब आपको नोटिफिकेशन आती है तो आपको रिमाइंडर लग जाता है 3 मिनट तक, जो आपकी फ्लैश लाइट होती है वो आपकी ब्लिंक करती है और ऑन ऑफ होने लगती है। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाइए, वहीं आपको और ऑप्शन देखने मिल जाता है इंटरेक्स डिलीवरी, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इंटरेक्स एंड डेक्सट्री, इससे इनेबल कर लेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकती हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है फ्लैश नोटिफिकेशन, इसे आप इनेबल कर लेंगे। जैसे इसे आप इनेबल कर लेंगे यहाँ से इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से आपकी जो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर आपकी वो आती है कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारी लाइट ऑन ऑफ होती है। यहाँ से आप इसे ऑफ ऑफ भी करा सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, वहीं आपको नोटिफिकेशन रिमाइंडर मिल जाता है, इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और बैक आ जाएंगे, यहाँ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोन के बारे में आपको मिल जाती है जो भी आपको चेक करनी हो। इस प्रकार से ये थी हमारे फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।